नेक यहाँ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर हमारा यहाँ क्या काम। लोगों का कहना है कि इस तूफान का एक चेहरा था। टेंशन में लोग पता नहीं क्या क्या देखने लगते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत। तुम लोग कौन हो? हमारे बीच आने की सोचना भी नहीं। चले तो गए पर दिल में हमेशा रहेंगे। थैंक्स केनेथ लेम और विहान रामामूर्ति, आपने ये जो वीडियो बनाया हमारे दिल को छू गया। बिल्कुल जेसन, पर ये साल अब तक बहुत गपों से भरा था, फुल पागलपंती। जेसन क्या, जबान संभालो। छोड़ना, वैसे भी आज लास्ट दिन है। तो आगे बढ़ते हैं। आज से 5 साल पहले इस यूनिवर्स की आधी आबादी और उसके साथ हमारा मिड टाउन हाई स्कूल भी साफ हो गया था, पर फिर 8 महीने पहले ये हीरोज की टीम हमें वापस ले आई और इसे नाम दिया द ब्लिप। हम में से जो गायब हुए और लौट आए उनकी उम्र नहीं बढ़ी, पर बाकी क्लासमेट्स जो गायब नहीं हुए वो हमसे 5 साल बड़े हो गए। हाँ, जैसे मेरा छोटा भाई मुझसे भी बड़ा हो गया है। हाँ, ये तो होना ही था। और भले ही हम स्कूल के आधे साल की पढ़ाई कर चुके थे और अपना मिड टर्म एग्जाम भी दे चुके थे, स्कूल ने फिर भी पूरी पढ़ाई फिर से शुरू की। बहुत गलत हुआ हमारे साथ, इट्स नॉट फेयर। सो टाइगर्स, इस साल का सफर बड़ा ही लंबा और इमोशनल और थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा, और अब ये साल खत्म होने वाला है। इट्स टाइम टू मूव ऑन। आइए जिंदगी की नई शुरुआत करें और प्रे करना कि अब कोई और गड़बड़ ना हो, क्योंकि अब तो हमारे पास एवेंजर्स भी नहीं है। किसी के पास कोई प्लान व्लान है? मेरे पास एक प्लान है। सुन, पहला पॉइंट, मैं फ्लाइट में एमजे के साथ ही बैठूंगा। दूसरा, मैं ड्यूल हेडफोन अडैप्टर खरीदूंगा और उसके साथ मूवीज देखूंगा, वो भी रोमांटिक। ओके। तीसरा, जब हम वेनिस जाएंगे, वैसे वेनिस कांच की चीजें बनाने के लिए फेमस है ना? वो तो है। तो मैं उसके लिए ब्लैक डाले फूल का नेकलेस खरीदूंगा, क्योंकि उसका मनपसंद फूल ब्लैक डालिया है, जिसका कनेक्शन एक मर्डर से। एग्जैक्टली। चौथा, जब हम पेरिस जाएंगे तो मैं आईफिल टावर में सबसे ऊपर ले जाऊंगा और वहीं उसे वो नेकलेस दूंगा। और पांचवा, मैं सबने दिल की बात बताऊंगा। और छठा, होपफुली हम दोनों की जोड़ी सेट हो जाएगी। ठीक। ओह, सातवां पॉइंट मत भूलना। हाँ हाँ, बता बता। कि ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें यूरोप में बैचलर बन के घूमना है पीटर। नेट, यार, तू मान या ना मान, पर एक बात तुझे बता दूं, यूरोपियन लोग हम अमेरिकन्स पर फिदा रहते हैं। हाँ, सच। और उसमें भी आधी से ज्यादा तो लड़कियां होंगी। अच्छा ठीक है, पर तू समझ, मुझे एमजे बहुत पसंद है यार, वो ऑसम है। मतलब उसके कमेंट्स कितने डार्क और फनी होते हैं, और कभी कभी तो वो भी मुझे ऐसे घूरती है जैसे उसके दिल में भी वो आ रही है। कुछ मत कहना प्लीज। चुप। क्या हो रहा है नमोनो, अपनी साइंस ट्रिप की प्लानिंग? हाँ, वो ट्रिप की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, इसका एक प्लान भी है। तुम्हारा कोई प्लान भी है? हाँ, मैंने कुछ प्लान नहीं किया। किया है ना, जिस किसी शहर में जाएगा वहाँ की पोस्ट कार्ड खरीदेगा। बिल्कुल मेरी दादी की तरह। अरे यार, मैं ऐसा कुछ नहीं खरीदने वाला, इसका दिमाग खराब हो गया बस। ओके, तो अपनी प्लानिंग कंटिन्यू रखो, मैं चलती हूँ। बाय द वे, ट्रैवल टिप, अपने फोन का ट्रैकर ऑन कर लेना, अगर कहीं खो गए तो हम तुम्हें ट्रैक कर पाएंगे। स्मार्ट, कर लेंगे। डूड, क्या सही घुमाया ना हमने इसको। गायब होने के बाद जब मैं वापस आई तो मेरे घर पे कोई और फैमिली रहने लगी थी। वाइफ को लगा कि मैं हस्बैंड की मिस्ट्रेस हूँ,
दादी अम्मा को लगा कि मैं कोई भूत हूँ, सच में बहुत ही कंफ्यूजन था। थैंक यू ऑल, ब्लिप की वजह से जो लोग बेघर हो चुके हैं उन्हें सहारा देने के लिए, और सुपर थैंक्स हमारे अपने स्पाइडरमैन को। थैंक यू मिस पार्कर मुझे बुलाने के लिए, और थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। और थैंक यू स्पाइडरमैन, और ये भी वापस आएंगे फोटोज और वीडियोस के लिए। थैंक यू। मजा आ गया सच में। इतना कूल था, मैं नर्वस था, पता है? नर्वस तो मैं भी थी, बहुत फॉर्मल बिहेव कर रही थी। नहीं, सब सही तो था। हाँ, शायद तुम कंफर्टेबल नहीं थे पीटर। आप सही कह रही हैं, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था। हाँ, पर कोई बात नहीं। थैंक यू। अपना पासपोर्ट ले आए। हाँ? और टूथपेस्ट। हाँ, ले लिए। हाय, सॉरी मुझे देर हो गई। हैप्पी। हे, वाओ, अच्छी लग रही हो। थैंक्स, तुम भी। थैंक यू। नई ड्रेस? हाँ, नई है। बियर्ड का न्यू स्टाइल? ये मेरी ब्लिप बियर्ड है, गायब होकर लौटा तो बड़ी हुई थी। ब्लिप बियर्ड। आई सी। एनीवे, सो ये चेक ऑफिस में खो गया था, इसलिए लेट हो गया। कमाल की बात है ना, इतना बड़ा चेक खो गया। आई मीन चेक बड़ा है, अमाउंट बड़ा नहीं है, एक्चुअली दोनों बड़े हैं। पेपर पास नहीं आ पाई, बहुत बड़ा दिल इनका। उन्होंने पर्सनली सॉरी कहा है। मैं जरा जाकर अपनी डाइट दाल को तड़का लगा कर आती हूँ। स्पाइडरमैन, बाहर जाओ। यस मैम। ये क्या था हैप्पी? अब काम की बात, निक फ्यूरी कॉल करने वाले हैं। निक फ्यूरी मुझे कॉल करने वाले? हाँ। पर क्यों? तुम्हारे लिए कोई हीरोगिरी वाला काम होगा, तुम सुपर हीरो हो और वो सुपर हीरोस को ही कॉल करते हैं। देखो, मुझे लगता है अगर बात इतनी इम्पोर्टेंट होती तो वो किसी और को कॉल करते हैं, मुझे नहीं। मुझे नहीं लगता। देखा, नो कॉल ऑलरेडी, वही है। मुझे निक फ्यूरी से कोई बात नहीं। फोन उठाओ। क्यों? क्योंकि तुमने उनसे बात नहीं की तो मुझे बात करनी पड़ेगी, और मुझे उनसे कोई बात नहीं। उनसे क्यों नहीं बात करनी? मुझे उनसे डर लगता है। तुम फोन उठाओ ना। तुमने निक फ्यूरी का कॉल काट दिया? हाँ। निक फ्यूरी का कॉल कोई नहीं काटता। आपने वो सुना? वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना होगा। उनसे बात करनी होगी। कॉल उन्हें, आई प्रॉमिस, मैं उन्हें कॉल करूंगा। प्रॉमिस, अभी के अभी उन्हें कॉल करो। आई प्रॉमिस, मैं उन्हें कॉल करूंगा। पर ट्रिप के बाद। ए, हाँ, वो आपसे बात करेगा। एक ही करके पूछिए प्लीज। आप क्या अब आप एवेंजर्स के हेड हैं? नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट। सॉरी, अगर एलियंस वापस आए तो आप क्या करेंगे? कोई हमारे शहर की भी बात कर लो प्लीज। शॉन डिकॉस्टा फ्रॉम द न्यूज, आप टोनी स्टार्क की जगह लेने वाले हैं? आप कैसा लग रहा है आपको? सॉरी, ये आने के लिए थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे लगा तुम्हारी सिक्स सेंस